हेलो गाइस, आज हम पढ़ने वाले हैं डाइस प्रॉब्लम के ट्रिक्स को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। आज हम जानेंगे कि डाइस वाले प्रॉब्लम्स को कैसे हम लेस देन 5 सेकेंड में कर सकते हैं। जी हाँ, जब आप इस ट्रिक्स को सीख जाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो आप 5 सेकेंड भी नहीं लगने देंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, मैं इस चैनल पे इस तरह के वीडियो जो एप्टीट्यूड में के ट्रिक्स हो गए या फिर कंपटीशन एग्जाम में जो अदर सब्जेक्ट के हैं, सारे हम इस पे लाने वाले हैं, तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, चलिए। तो इस टाइप के प्रॉब्लम जैसे ही आपको डाइस दिया हो तो आप खोजेंगे कि कौन सा ऐसा नंबर है जो सबसे ज़्यादा बार आया है। ये 6 है, एक या इसमें इसमें भी 6 है, इसमें 6 नहीं है, तो 6 दो बार आया है तो हम 6 को ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए 6 को ले लेंगे क्योंकि ये दो बार आया है ना, दो डाइस में है, तो 6 को हम ले लेंगे। तो 6 का अपोजिट साइड जो है, मतलब अपोजिट साइड करो कि 6 के साइड में क्या क्या है, 2 है और 5 है। यहाँ पे 6 के साइड में क्या है, 3 है और 4, इधर 6 है ही नहीं। तो देखिए 1 2 3 4, 4 डिजिट आ गया। डाइस में 6 डिजिट होता है, 6 नंबर होते हैं, 4 आ गया, एक ये है 5, तो बचा कौन, तो बच गया आपका 1। तो यहाँ पे ये जो 1 आया है, ये जो 1 है, यहाँ 6 के अपोजिट साइड में है। ये जो 1 आया है, ये 6 के अपोजिट साइड में है। ठीक है, तो सिमिलरली अगर आप 6 के अलावा दूसरा नंबर अगर आप चूज करते, तो दूसरा ऐसा कौन सा नंबर है जो 5 को, देखिए 5 इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 5 है एक नंबर। ठीक है, तो 5 के साइड में कौन है, 1 है, 4 है, इधर 5 के साइड में कौन है, 2 है और 6 है। तो देखिए फिर से यहाँ पे 4 डिजिट आ गया, एक ये हो गया 5, एक डिजिट रह रहा है, वो कौन सा होगा, वो होगा आपका 3, क्योंकि इसमें 3 नहीं है, यहाँ पे 5 है। तो ये जो 3 है, यह क्या होगा, यह 5 के अपोजिट अपोजिट साइड में है। ठीक है, यह भी क्या है, 5 के अपोजिट साइड में। तो इसी तरह का क्वेश्चन आपको आता है और आपको बताना होता है। अच्छा, ये जो पोर्शन है, ये सब क्या है, ये सब ये वाला जो है, ये वाला है साइड वाला पोर्शन, यानी 5 के साइड में 1 होगा, 4 होगा, 2 होगा, 6 होगा, मगर 5 के अपोजिट साइड में जो होगा दैट विल बी 3। 5 के अपोजिट साइड में 3 होगा, 6 के अपोजिट साइड में 1 होगा। ठीक है, एक और मैं ट्रिक बताने जा रहा हूँ। ठीक है, ये ट्रिक आप अगर आप कर लेंगे, ये जनरली इस तरह के क्वेश्चन में यूज होता है कि अगर आपको कोई डाइस दे देता है, ठीक है, कुछ इस तरह का डाइस है, ये है डाइस। ठीक है, तो जैसे कि ये दे दिया हुआ है 2, ये दिया है 3, ये दिया है 6, ये दिया है 1, ये दिया है 5, ये दिया है 6। तो जैसे ही आपको दो डाइस नजर आए और दो डाइस के बाद आपको सेम साइड में सेम नंबर मिले, यानी जैसे 6 है, 6 है इधर और ये भी 6 है इधर, तो 6 दोनों में सेम डायरेक्शन में है, 6 जो है दोनों में सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है, 6 जो है दोनों में, 6 दोनों में सेम डायरेक्शन में है। तो जैसे ही आपको ऐसे मिले तो याद रखिएगा 2 के अपोजिट 1 हो जाएगा और 1 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट 5 हो जाएगा, 5 के अपोजिट 3, यानी सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं होगी,
ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। एक और एग्जांपल देता, जैसे कि कोई डाइस दिया हुआ है, यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे देखते हैं, कोई डाइस दिया हुआ है, ठीक है, मान लेते हैं ये है 2, ये है 1, ये है 3, ये है 2, ये है 3, ये है 5। तो ये कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन है, बट आप इसमें क्या देखेंगे कि 2 और 3 जो है ना, दोनों सेम फेस में है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि 2 फेस कॉमन है, 2 फेस कॉमन है, दैट इज कौन कौन से फेस है वो, 3 और 2 दोनों में है, दोनों में है। सो 1 के अपोजिट 2 हो जाएगा। देखो 2 और 3 दोनों में है, 2 और 3 दोनों में, तो 1 के अपोजिट 5 हो जाएगा, सॉरी 1 के अपोजिट 5 होगा। बहुत आसान है, आपको क्या देखना है कि 2 इसमें भी है ना, और 3 इसमें भी है, तो देखिए 2 और 3 इसमें भी है, बच कौन गया, 1 और 5, इसलिए 1 और 5 जो होगा अपोजिट हो जाएगा। ठीक है, मैं आपको फटाक से रिकैप करवाता हूँ सारी चीज़ों को, अभी तक जो हमने किया है। हमने क्या किया है कि जैसे ही आपको डाइस मिलेगा, इस तरह के डाइस, तो आपको देखना क्या है कि इस डाइस में ऐसा कौन सा नंबर है जो रिपीट हो रहा है ज़्यादा टाइम्स। ठीक है, हम 4 डाइस वाले भी करेंगे इसी में प्रॉब्लम्स। तो इस तीनों में जैसे कि सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है 6, तो हमने 6 लिया, उसका साइड में क्या है, 2 है 5 है, इधर 6 के साइड में 3 और 4 है, लिख दिए, बच ये देखिए इधर 4 डिजिट आ गया, बच कौन गया, 1, तो यह क्या हो जाएगा, 6 के अपोजिट में हो जाएगा, 5 ले लिए, 5 इसमें भी है, इसमें भी है, इसके साइड में 1 और 4, इसके साइड में 2 और 6, बच के गया 3, तो यह हो जाएगा 5 के अपोजिट साइड में। ये एक स्पेशल ट्रिक है, ठीक है। इसमें क्या है कि ये जैसे डाइस दे दिया हुआ है ना, तो देखिए 6 और 6 सेम साइड में है, सेम डायरेक्शन में है, तो 2 के अपोजिट 1, 3 के अपोजिट 5। इसमें क्या है, 2 और 3 सेम फेस है, 2 और 3 सेम फेस, यानी कॉमन फेस है ना, तो बच एक ही डिजिट गया, दैट इज 1 एंड 5, तो 1 एंड 5 क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड में हो जाएगा। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आया हुआ है एग्जाम में, तो ये है वो क्वेश्चन, ये है क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द टॉप इज 5 इन अ डाइस। हमें आइडेंटिफाई करना है नंबर, है ना, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम, है ना, बॉटम पे, व्हेन टॉप, जब टॉप यानी ऊपर में, टॉप में 5 होगा तो बॉटम में क्या होगा, यानी 5 के अपोजिट वाला साइड खोजना है। ठीक है, टॉप के अपोजिट बॉटम होता है, तो 5 के अपोजिट वाला साइड हमें खोजना है। देखिए ये 2 डाइस है, तो हमने अभी ट्रिक क्या सीखा है कि 6 और 6 क्या है, सेम सेम साइड में है, सेम साइड में है, हमने अभी सीखा था कि सेम साइड में होगा। देखिए हमने अभी ट्रिक सीखा था कि अगर सेम साइड में होगा, सेम साइड में होगा, जैसे कि 6 दोनों के सेम साइड में था, तो 2 और 1 के 2 1 के अपोजिट हो गया था, 3 5 के अपोजिट हो गया था, हुआ था। सिमिलरली इसी तरह से यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि 6 दोनों सेम साइड में है, तो 2 के अपोजिट, इसको अभी हटा देते हैं, 6 है ना, तो 2 के अपोजिट 5 हो जाएगा, और 3 के अपोजिट 4। ठीक है, तो जो आंसर होगा दैट इज ए, 5 के अपोजिट जो होगा वो 2 हो जाएगा। देखिए 1 सेकंड से भी कम का टाइम लगा करने में, ये क्वेश्चन हार्ड है ये वाला, तो हमने एक हार्ड भी लिया है ना, डिफिकल्ट। देखिए कह रहा है 4 पोजीशन ऑफ डाइस आर गिवन, जनरली आपको 3 डाइस दिया होता है, मगर इसमें 4 है,
तो फोर पोजीशन ऑफ डाइस, आइडेंटिफाई द नंबर एट द बॉटम व्हेन द नंबर ऑन द टॉप, टॉप पे दिया हुआ है टू है तो बॉटम पे आइडेंटिफाई करना है कि क्या होगा। तो आप इसमें देखिए चारों डाइस में सबसे ज्यादा बार कौन सा ऐसा नंबर आया, इसमें टू है, इसमें टू है, इसमें नहीं है, इसमें वन है, इसमें वन है, इसमें भी नहीं है, ठीक है, थ्री है, ठीक है। तो आप ऐसा करेंगे, चलिए हम बारी बारी से सबको लेके करते हैं। तो क्या कीजिएगा, इसमें फाइव भी सब में नहीं है, टू है, टू है, तो आप किसी दो को ले लीजिए, टू ले लेते हैं, ठीक है। तो टू लेंगे तो टू के अपोजिट, सॉरी टू के साइड में होगा तीन और छः, एक, तीन तो ऑलरेडी हमने ले लिया, ठीक है, तो इसमें तीन ही बचे, ठीक है, तो इसमें अपोजिट साइड नहीं निकल रहा है। अगला हम देखते हैं, थ्री सब में है, तो देखिए थ्री अगर सब में है तो थ्री इसमें भी है, उसमें भी है, इसमें क्या हो गया, वन और टू, और इसमें थ्री के अपोजिट सिक्स, ठीक है, इसमें देखिए थ्री के बाद फोर, फोर है क्या किसी में दो बार, नहीं, फोर किसी में दो बार नहीं है, ठीक है, फोर किसी में दो बार नहीं है, तो फाइव, फाइव लेते हैं, फाइव, फाइव लेंगे तो बचेगा वन, फोर इसमें लेंगे तो थ्री और सिक्स। तो देखिए फाइव जब लिए तो वन फोर थ्री सिक्स आ गया, क्या बच गया, टू बच गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि फाइव के अपोजिट में क्या होगा, टू होगा, ये हो गया अपोजिट किसके, पांच के अपोजिट। सो आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा फाइव, क्योंकि ये हमसे पूछा है टू के अपोजिट क्या है, तो हमने देखा ना फाइव के अपोजिट दो आया है, तो टू के अपोजिट फाइव होगा। थैंक यू सो मच, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, बेल आइकन प्रेस कर दें और शेयर जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।